हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा। हम पढ़ रहे थे क्लास सिक्स के चैप्टर फर्स्ट, नोइंग आवर नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंपेयरिंग नंबर्स, जिसके अंदर हमने देखा था असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू। कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं तो उसमें हर एक डिजिट का एक अपना प्लेस होता है, जिसे हम उस डिजिट का प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो जैसे कि हम कुछ नंबर अगर लें, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्लेस वैल्यू हमें हमेशा राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर काउंट करेंगे सिक्स से, सबसे पहला प्लेस होता है वंस का। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं वंस, जिसे हम डिनोट करते हैं ओ से। अब हमारा सेकंड प्लेस होता है टेंस का, जिसे हम डिनोट करते हैं टी से। उसी तरह हमारा थर्ड प्लेस होता है हंड्रेड का, जिसे हम डिनोट करते हैं एच से। फोर्थ प्लेस हुआ हमारा थाउजेंड्स का, जिसे हम डिनोट करते हैं टी एच से। फिफ्थ प्लेस हो गया हमारा टेन थाउजेंड्स, जिसे हम डिनोट करते हैं टी टी एच से। उसी तरह आगे हमारा होता है 10,000 के बाद लैक, जिसे हम डिनोट करते हैं एल से। नेक्स्ट प्लेस होता है हमारा 10 लाख, जिसे हम डिनोट करते हैं टी एल से। नेक्स्ट प्लेस आता है हमारा करोड़, जिसे हम डिनोट करते हैं सी से। अब नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है यहाँ पर, वो होता है 10 करोड़, जिसे हम डिनोट करते हैं टी सी से। ये जो प्लेस वैल्यू का चार्ट बना, ये है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारा होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, देन 10 करोड़। ये है हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब आगे हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यूज। इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम राइट हैंड साइड के तरफ से ही काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिक्स से। सबसे पहला प्लेस हो जाता है वंस का, सेकंड हो जाता है टेंस, थर्ड हो जाता है हंड्रेड, फोर्थ हो जाएगा हमारा थाउजेंड, नेक्स्ट हो जाता है हमारा 10,000, अब यहाँ पर इंडियन सिस्टम में हमने देखा था 10,000 के बाद लाख आता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। तो अब यहाँ पर 10,000 के बाद लाख ना आकर के आएगा हमारा 100,000, नेक्स्ट होता है हमारा मिलियन, नेक्स्ट होता है हमारा 10 मिलियन, नेक्स्ट होता है 100 मिलियन। ये हुआ हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। हम आगे बढ़ते हैं। हमने ले लिया है टू डिजिट्स नंबर 78, जिसमें कि हम देख सकते हैं 8 वंस प्लेस पे है और 7 टेंस प्लेस पे है। अब हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इसे एक्सपेंड करेंगे। हम देख रहे हैं 7 किस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 7 × 10। ये हो गया हमारा टेंस प्लेस का। नेक्स्ट हमारा 8 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, तो हम लिख सकते हैं इसे 8 × 1। ये हो गया इक्वल 78 के। अब इसी तरह हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं 295 और 8। ये हम एक नंबर ले लिए जिसमें 4 डिजिट्स है। अब इस 4 डिजिट्स का प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं। 8 है वंस पे, 5 है टेंस पे, 9 है हंड्रेड्स पे एंड 2 है थाउजेंड्स पे।
तो हम लिख देते हैं वंस पे है 8, अब हम देख रहे हैं 2 है थाउजेंड्स पे, तो 2 इंटू 1000 प्लस 9 है, 9 किस प्लेस पे, 100 प्लेस पे है, तो हम इंटू कर देंगे 100 से, प्लस 5 उसी तरह 5 किस प्लेस पे, 10th प्लेस पे है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, नेक्स्ट 8 किस प्लेस पे, 1 प्लेस पे, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ये हो गया हमारा एक्सपेंशन किस नंबर का, इस नंबर का। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं 5 2 9 3 6, ये हमने ले लिया। अब हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू काउंट कर लेते हैं इसका, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड एंड 10,000। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, 5 किस प्लेस पे, 10,000 पे है, तो हम कर देते हैं 5 इंटू 10,000। नेक्स्ट हमारा 2 किस प्लेस पे है, 1000 पे है, तो हम प्लस 2 इंटू 1000। नेक्स्ट हमारा 9 किस प्लेस पे, 100 पे है, तो हम लिख देते हैं 9 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, ये हो गया हमारा एक्सपेंशन इस नंबर का। ये हो गया, हमने सीखा क्या, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग किसी भी बड़े से बड़े नंबर को एक्सपेंड करना। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कॉमास। कॉमास का यूज हम नंबर्स में कैसे करते हैं, जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं, ये नंबर हमने एक ले लिया, कॉमास का यूज अगर हम इंडियन सिस्टम में करते हैं तो हम राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स के बाद, फिर अगर आगे भी हम बढ़ेंगे तो हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगते जाएगा। ये हुआ इंडियन सिस्टम में, ये होता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में जाएं तो सेम नंबर पे 8, 6 एंड 3, ये तो था इंडियन सिस्टम के बारे में, सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो कॉमा हम कैसे लगाते हैं, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। बस इतना ही आज हमने पढ़ा प्लेस वैल्यू और कॉमास के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में पकड़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।